नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सदर कोतवाली के महेवागंज चौकी क्षेत्र के निवासी दो सगी बहनों सहित तीन दलित युवतियों के साथ गैंगरेप रेप की घटना को लखीमपुर के फूलबेहड़ थाने क्षेत्र के एक गांव में दिया गया अंजाम। आपको बता दें कि लखीमपुर सदर कोतवाली के महेवागंज चौकी क्षेत्र में रहने वाली दो सगी और एक मौसेरी बहन के साथ लखीमपुर के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र में एक गांव में गैंगरेप जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। मजदूरी करने गई मौसेरी बहन सहित दो सगी बहनों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित युवतियों ने बताया तीनों बहनें अपने सगे नातेदार मोहन के कहने पर खेत में दिहाड़ी पर मजदूरी करने गई थी। घर लौटते वक्त जब मजदूरी के पैसे मांगे गए तो सगे नातेदार मोहन ने मजदूरी के पैसे नहीं दिए और जब युवतियों ने विरोध किया तो नातेदार मोहन के कहने पर वहां पहले से मौजूद गांव के पांच लोगों ने तीनों बहनों के साथ नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ितों के मुताबिक नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ पांच लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। तीनों पीड़ित युवतियां अपनी तहरीर लेकर सदर कोतवाली पहुंची। गैंगरेप की घटना को फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के गांव में अंजाम दिया गया है। गैंगरेप पीड़ित युवतियों की तहरीर पर SP खेरी विजय ढुल ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 8 बजे घर से खीरा कर भैया पांच लोग रहे वही लोग फोन कर दी और मोहन बताई दी ने लोगन कहीं और मोहन भाग गया है रुपया दल लेंगे वो भैया हम लोग पानी उतर के भाग गया है। सरदार लोग रहे कौन कौन लोग रहे वही लोग सरदार लोग रहे मोहन की गाले 6 लोग अच्छा गलत काम की है। हाँ गलत काम अब से जल्दी चले गए 8 बजे घर से 8 बजे चले गए ठेकेदारी में यहाँ मोहन रहे और काम कहीं नहीं चलो गन्ना कर खीरा कर बौका नोचे कहीं दिसे रुपया दिन वही बन गए ठेकेदार रुपया उधर इन जेब मैया और भाग गए हम का लोगन फोन करके वहाँ पर सवाई दिन भैया क्या हुआ सरदार फिर बलात्कार कर डाली और कपड़ा पड़ा फाट डाली तो हम लोग मांग के यहाँ पहन के कितने लोग थे 5 लोग तुम कितने लोग कहाँ गई थी मजदूरी करने मजदूरी कौन कौन था तुम्हारे साथ कौन मोहन नहीं बहन भी थी तुम्हारी नहीं ये दोनों है तो हाँ तो ये शिकायत की तुम लोगों ने कहीं नहीं आई शिकायत करने क्या कल दिनांक 4 जून को देर शाम चौकी मेवागंज पे तीन महिलाओं द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई जिसमें उनके द्वारा उन्हीं के गांव के रहने वाले और दूर के रिश्ते में उनके नाना के द्वारा उनको सुबह मजदूरी पे ले जाया गया और मजदूरी के समाप्ति के बाद उनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों को आज चौकी मेवागंज पे बुलाया गया था। इसी क्रम में ये तीनों महिलाएँ आज थाना सदर पर पहुँची और उनके द्वारा मौखिक रूप से अपने गांव के रहने वाले अपने दूर के रिश्ते के नाना और कई अज्ञात व्यक्तियों पर दुष्कर्म संबंधी आरोप लगाए गए। कल दी गई लिखित सूचना और आज दी गई मौखिक सूचना में विरोधाभास पाया गया। आज दी गई मौखिक सूचना के आधार पर जो लिखित तहरीर महिलाओं द्वारा पुलिस को दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तीनों महिलाओं को पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। मुख्य अभियुक्त जो महिलाओं के गांव का रहने वाला है और दूर के रिश्ते का नाना लगता है उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना में साक्ष्य के क्रम में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। R9 भारत के लिए अशोक शुक्ला की रिपोर्ट लखीमपुर खीरी।